दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले इंस्टाग्राम अकाउंट को दूसरे मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कैसे करें। हाँ दोस्तों, आप लोगों को आपका ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है यानी कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दूसरे मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करना है तो कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वाली इंस्टाग्राम की आईडी है, अभी मैं दूसरे मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करनी है, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स के, फैमिली मेंबर के, किसी के भी मोबाइल में आपको लॉगिन करनी है तो यहाँ पर कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है इंस्टाग्राम का, मेरे पास अभी कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन नहीं है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा अपने ये वाला इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है। तो यहाँ पर आपको लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दूसरा अकाउंट भी यहाँ से मेरा लॉग आउट कर देता हूँ, सारे अकाउंट यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो दूसरे मोबाइल फ़ोन में। तो यहाँ पर से भी मैं अपना सारा आईडी को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम का आईडी को रिमूव कर सकते हो, और मैं ये वाली इंस्टाग्राम आईडी को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम का आईडी को लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने जो भी इंस्टाग्राम आईडी को न्यू मोबाइल फ़ोन में या तो फिर अपने किसी भी फ्रेंड के मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम डाल दिया। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये पासवर्ड वाले ऑप्शन में आपको इंस्टाग्राम का पासवर्ड डाल देना है। देख सकते हो मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। अभी मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सेम प्रोसीजर आपको दूसरे वाले मोबाइल फ़ोन में करनी है तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों को एक दिक्कत आ रही है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड ही पता नहीं है तो लॉगिन कैसे करें। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको दूसरा अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर दूसरा अकाउंट को ओपन कर रहा हूँ। अभी मुझे दूसरा अकाउंट, जैसे कि ये वाला मेरा अकाउंट है, उसको मुझे लॉगिन करना है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको उसका यूज़र नेम डाल देना है। अभी आपको पासवर्ड पता नहीं है तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज़र नेम डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज़र नेम डाल दिया, अभी उसका मुझे पासवर्ड पता नहीं है तो आपको फॉरगॉटन पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये तीन चीज़ पूछी जाएगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपना यूज़र नेम डाल देना है। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम पता है तो यूज़र नेम डाल दीजिए, जैसे कि मेरा यूज़र नेम पता है तो यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ। अभी आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करेगा, इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को फाइंड करेगा। अभी दोस्तों आपको सीधा यहाँ पर इंस्टाग्राम नया पासवर्ड डालने का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो आपको सीधा इंस्टाग्राम का नया पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है और ये लॉगआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि आप, अगर आपका इंस्टाग्राम कोई दूसरे मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है जो आप यूज़ नहीं करते हो तो वहाँ से भी लॉगआउट हो जाएगा। नया पासवर्ड डाल के यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी के भी मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर सकते हो, लॉगआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।